एक जब पूरा मुल्क शोक में हो तो प्रधानमंत्री जी की ओर से जो संदेश आना चाहिए था उस शोक के साथ साझा करने वाला संदेश होना चाहिए था, जिसकी मुझे कमी दिखी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अब पूरे देश के लिए फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान किया गया है, चूँकि इससे पहले 45 वर्ष से ऊपर वर्ग के जो आयु है केवल उनको ही मुफ्त में वैक्सीनेशन मुहैया कराई जा रही थी। लेकिन इसके बाद से प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि 21 जून के बाद से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी मुफ्त में वैक्सीनेशन मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद अब देश भर के तमाम राजनीतिक पार्टियों की इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। RJD के राज्यसभा सांसद मनोज झा का कहना है कि मुफ्त वैक्सीनेशन की मांग पूरे देश की रही है और लगातार इसकी ज़रूरत भी महसूस होती हुई है। उनका दावा है कि जो तमाम विपक्षी पार्टियों के एकजुटता के बाद और सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद प्रधानमंत्री को यह निर्णय लेना पड़ा है। क्या कुछ कह रहे हैं RJD के राज्यसभा सांसद, पहले यह सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक स्वीकारोक्ति की है, आज जब वैक्सीनेशन फॉर ऑल, फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल, तो मुझको लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो दस्तक आई थी उसको सुना गया और ज्वाइंट अपोजिशन ने जो लगातार डिमांड की थी उसको, उस पर शायद प्रधानमंत्री जी की नजर पड़ी। हालांकि शुरू में तो उनके दल के लोग उपहास उड़ा रहे थे इस तरह की सलाह का, सुझाव का। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का यह संदेश आज बिल्कुल साफ था और जाहिर है इससे उन्हें भी पता चला है कि वैक्सीन को लेकर के, फ्री वैक्सीनेशन को लेकर के पूरे आवाम में किस प्रकार की एक सोच और एक समझ विकसित हो रही थी। शुक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अभी पूरे देश में एक शोक की लहर है। नंबर्स लोगों को पराए नहीं लग रहे हैं, आंकड़ा लोगों के अपने घर के नंबर है। एक जब पूरा मुल्क शोक में हो तो प्रधानमंत्री जी की ओर से जो संदेश आना चाहिए था उस शोक के साथ साझा करने वाला संदेश होना चाहिए था, जिसकी मुझे कमी दिखी। शायद अगली बार जब प्रधानमंत्री जी बोले तो शायद उनको इस बात का वो ध्यान रखें, क्योंकि शुरुआती जब उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने बात शुरू की तो एक पॉलिटिकल टोन था, और जब आप महामारी से लड़ रहे होते हैं तो आप तमाम चीजों को आपको नजरअंदाज करना, ये हमारी राजनीति का, सार्वजनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय से उठ रही आवाजें या ज्वाइंट अपोजिशन की जो लगातार डिमांड थी उसको सुना गया, फाइनली सम गुड सेंस हैज प्रिवेल्ड। तो सुना आपने किस तरह से RJD के राज्यसभा सांसद का कहना है कि ये जो मुफ्त वैक्सीनेशन की मांग है वो पूरे देश की जरूरत थी और सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद ही प्रधानमंत्री को आखिरकार इस निर्णय पे पहुंचना पड़ा है। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री देश के नाम एक संबोधन दे रहे थे जिसमें वो वैक्सीनेशन को लेकर तमाम बातें कहे जो केंद्र सरकार की ओर से तैयारियां की जा रही है, केंद्र सरकार की ओर से जो लगातार काम किए जा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला। साथ ही साथ उनका एक दावा है कि 21 जून है उसके बाद 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि मनोज झा की ओर से एक बात के लिए नाराज़गी भी जताई गई है। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री को कम से कम जो देश में इस समय शोक की लहर है उन पर एक शोक संदेश व्यक्त कर देना चाहिए था। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स बताएं। अब तक हमारे न्यूज फॉर नेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।